They all have just treated me like a buddy, and thankful to them for that, because I had such a great time relationship with them. It almost felt like, you know, I was back in college when we used to all tell what happened. एक्चुअली साजिद ने मुझे एक शॉर्ट स्टोरी लाइन नरेट किया था. मैंने पूरी स्क्रिप्ट भी नहीं सुनी और मैंने हाँ कर दी थी, क्योंकि जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, कि साजिद खुद उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है इतना मज़ेदार है और एक सर्टेन क्रेडिबिलिटी है उनकी. तो मुझे उन पर बतौर डायरेक्टर हमेशा से विश्वास था. उसके अलावा स्टोरी और कैरेक्टर भी मुझे अच्छा लगा था और मेरे लिए कुछ अलग करने का मुझे मौका मिला है, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ये करूं. अभी प्रोमो हम देखते हैं तो जिस तरह इन तीनों कैरेक्टर्स की एंट्री होती है, फिर लास्ट में आपका एक स्टिल आता होता कि ये एक ऐसी लड़की है जो उनको रुलाएगी, तो एक जो क्यूरियोसिटी होती है, किस तरह का कैरेक्टर है जो फिल्म में आप लेकर? जैसे मैंने जैसे प्रोमोज कहते हैं कि मैं वो कॉन्फ्लिक्ट हूँ फिल्म में जो इन तीनों को रुलाऊंगी, और मुझे उसमें बहुत खुशी है कि मैंने इनको रुलाया. होता ये है कि अक्सर लड़कियां सोचती हैं कि लड़के उन्हें ज़्यादा रुलाते हैं, पर एटलीस्ट फिल्म में मुझे लड़कों को रुलाने का मौका मिला, और वो भी इतने बड़े बड़े स्टार्स. एक फिल्म में बच्ची भी है जी, उसके साथ जो काम हुआ एकदम नया एक्सपीरियंस. मुझे पहले डर लगता था कि बच्चे के साथ कैसे, क्योंकि बच्चे को आप समझा नहीं सकते कि यू नो अब शूट कर लो, अच्छा अब ये एक्सप्रेशन दे दो. नहीं नहीं, थोड़ा सा गुस्सा होना, थोड़ा सा रोना, बच्चे को आप ये तो नहीं कह सकते. तो मुझे बहुत डर लगता था इनिशियली, पर ये बच्ची बहुत ही प्यारी है, और मैं कहूँगी कि साजिद की और उसकी भी एक तरह से किसी टाइप की ट्यूनिंग रही थी, जिस वजह से जब आप फिल्म देखें तो आपको लगेगा कि जैसे बच्ची एक्टर हो. इतने नेचुरली उसने किया है, इतने नेचुरली फिल्माया गया है उसका काम. जी आज म्यूजिक लॉन्च हो रही है, फिल्म के संगीत के बारे में क्या? मेरे ख्याल से ये शंकर एहसान लॉय का एक नया पहलू है उनके म्यूज़िक का. मैं टेक्निकली उतना तो नहीं जानती कि क्यों या कैसे, पर कुछ तो अलग है इस म्यूज़िक के बारे में. एक क्योंकि जब लोग सुनते हैं तो ये नहीं कहते कि शंकर एहसान लॉय का, पूछते नॉर्मली यू कैन आइडेंटिफाई द म्यूज़िक, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. बट म्यूज़िक सुनने के बाद लोग कहते हैं अच्छा हूज़ म्यूज़िक इट इज़ इट. आई थिंक दैट्स a step ahead for them and for the film and for everything. It's just a new element. Yeah, thank you.